नमः शिवाय। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि सतभिषा नक्षत्र सुबह 9 बजे से लग जाएगा, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु देव हैं। अमावस्या का असर आज पूरे दिन बना रहेगा। आज के जन्मे जातक साहसी, समझदार, तेज दिमाग वाले, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातक आज मानसिक रूप से नकारात्मक विचारों से जूझते रहेंगे, मन अशांत रहेगा, किसी एक काम के प्रति मन में स्थिरता नहीं बन पाएगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता का योग बना हुआ है, अपनी कार्य ऊर्जा को कम ना होने दें। अपने सामान के प्रति सावधानी अपेक्षित है, खोने या चोरी होने का अंदेशा बना हुआ है। आज मेहनत के अनुरूप फल में कमी महसूस होगी। शाम के बाद पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृष राशि वाले जातक अपनी कार्य ऊर्जा के प्रति भ्रमात्मक स्थिति में बने रहेंगे। व्यावसायिक अड़चन या काम में रुकावट संभव है। मन में धैर्य और उत्साह की कमी महसूस होगी। घुटने में परेशानी संभव है, उसके बावजूद भी व्यावसायिक और आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। अधिकारियों व शासन सत्ता से सहयोग बना रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। माँ और संतान पक्ष से आज चिंता बनी रहेगी। मिथुन राशि के लिए कार्य ऊर्जा बढ़ती रहेगी। कोई भी काम आत्मविश्वास के साथ संपन्न होगा। कुछ रुके हुए काम भी चालू होंगे। नौकरी करने वाले जातकों के बहुत दिनों से लटके हुए या अधूरे कार्य पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग आपकी कार्य क्षमता बढ़ाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में पहले से चली आ रही परेशानियां कम होंगी। भविष्य की नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। विरोधी पक्ष परास्त रहेगा। वाद विवाद संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। कर्क राशि वाले जातक विशेष ध्यान दें। जब भी चंद्रमा अस्त या पीड़ित होंगे, तब तब आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। गाड़ी या वाहन सावधानी से चलाएं, चोट लगने का अंदेशा बना हुआ है। जबकि आपका आत्मविश्वास और आपकी कार्य ऊर्जा सकारात्मक रूप से बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है। छोटी यात्रा या प्रवास की संभावना बनती है। सिंह राशि के जातकों के लिए पेट संबंधी समस्याएं या जलन की स्थिति पैदा हो सकती है। पत्नी की स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहेगी। मन किसी अज्ञात भय से सशंकित रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता में कमी आएगी। शाम को किसी पारिवारिक उत्सव में व्यस्त रहेंगे। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। विरोधी पक्ष परास्त रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पर ध्यान देना होगा। बात बात पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन व पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। आपकी कार्य ऊर्जा मानसिक स्तर पर प्रभावित रहेगी। मन में नकारात्मक भाव और उत्साह की कमी महसूस होगी या किसी से बातचीत में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। धैर्य के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करें, अनुकूलता मिलेगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल नहीं है। विरोधियों से परेशानी संभव है। गलत सलाह के कारण आपकी कार्य योजनाएँ प्रभावित हो सकती हैं। माँ दुर्गा की आराधना करें और गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं, अनुकूलता मिलेगी। तुला राशि के जातकों के लिए मन में चल रही कार्य योजनाओं को सकारात्मक सोच और मित्रों के सहयोग के जरिए कार्य रूप में परिवर्तित करें, सफल रहेंगे। अधूरी या विवादित योजनाओं में प्रयास करने पर सफलता संभावित है। पिता के स्वास्थ्य के प्रति मन सशंकित रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत है। शिक्षा या प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
आपके सारे प्रयास सार्थक होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सांसों या कफ से संबंधित दिक्कत संभावित है। पहले से चले आ रहे मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों में सुधार मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। आज आपकी कार्य योजनाएं फलीभूत होंगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विरोधियों से सतर्क रहें। अपनी योजनाओं की चर्चा संबंधियों से भी ना करें। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है। धनु राशि के लिए आपकी मेहनत पूरी तरह से सार्थक होगी। हर काम में मन लगेगा। नई कार्य योजनाओं को बल मिलेगा। अधूरे काम पूरे होंगे। अनावश्यक वाद विवाद और विरोधियों के साजिश से बचें। संतान या बच्चों से संबंधित जिम्मेदारियां पूरी होंगी। किसी योजना में निवेश का योग बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कान या आँखों की दिक्कत संभावित है। सूर्यदेव को अर्घ दें और केले के पौधे में जल डालें। मकर राशि के जातकों के लिए आँखों और दांतों से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। व्यावसायिक और आर्थिक पक्ष मजबूत है। अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आपकी कार्य ऊर्जा और आत्मविश्वास व्यावसायिक उत्थान के लिए लाभदायी होंगे। पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी। माँ दुर्गा की आराधना और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। अनुकूलता मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी होगी। आज आपकी राशि पर चार ग्रह मौजूद हैं, बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा। मन में उठ रहे तरह तरह के विचारों को विराम दें। अपनी कार्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक विचारों को प्रश्रय दें। व्यावसायिक उत्थान का योग चल रहा है। अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए प्रयास करें। अधिकारियों व सम्मानित समाज का सहयोग मिलता रहेगा। विरोधी पक्ष दबा हुआ रहेगा। वाद विवाद या कोर्ट संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आवश्यक है। आपके कान या आँखों से समस्या संभावित है। संतान संबंधी मामलों में प्रवास या निवेश का योग बना हुआ है। व्यावसायिक गतिशीलता बनी रहेगी। अपनी कार्य क्षमता को कम ना होने दें। अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए पारिवारिक दायित्व की पूर्ति करें। आपके प्रयास सार्थक होंगे। अपने भविष्य की योजनाओं को किसी से शेयर ना करें। केले के पौधे में जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। अनुकूलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।